श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष पिता से सीखिए, संस्कार माता से, बाकी सब तो ये दुनिया सिखा ही देगी। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वो आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। जब समझ ना आए कि क्या करो, तो कुछ देर ठहर जाना खुद के लिए, खुद के ही साथ अकेले में। इतनी देर भी मत करना अपने सपने को हकीकत बनाने में कि समय के साथ साथ उम्र भी निकल जाए और सपना सपना ही बनकर रह जाए। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है, तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। अगर बुरी आदत समय पर ना बदली जाए, तो बुरी आदत समय बदल देती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका हमेशा एक बार और प्रयास करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी सफलता को देखकर हैरान है बहुत लोग, किसी ने मेरे पांव के छाले नहीं देखे। जो खो दिया उस पे कभी सोचना नहीं, जो मिल गया उसे कभी खोना नहीं। अगर सफलता पानी है तो कभी वक्त और हालात पर रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समंदर अभी कितना दूर है। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, कल नहीं। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। बहुत कुछ बदलता है हर रोज, लेकिन मेरे हौसले नहीं बदलते। बदलता हूँ तरीके जरूर, लेकिन मेरे इरादे नहीं बदलते। हर दिन एक शुभ दिन होता है, जरूरत है तो बस शुरुआत करने की। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न करते रहिए, स्वयं को पतन की ओर मत ले जाइए, क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही अपना शत्रु भी है और मित्र भी है। जीत हासिल करनी है तो हमेशा खुद से ये बोला करो, 97% लोग जिंदगी में जल्दी हार मान लेते हैं और उसी 3% लोगों के लिए काम करते हैं जो कभी हार नहीं मानते। इंतजार मत करो जितना तुम सोचते हो, जिंदगी उससे कहीं ज़्यादा तेजी से निकल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईमानदारी सबसे महंगा उपहार है, सस्ते लोगों से उसकी उम्मीद रखना बेकार है। किसने कहा तू अकेला है? आईने में जाके देख, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तेरे सामने खड़ा है। जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और लगन से काम किया जाए, सफलता अवश्य मिलेगी। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए पर बोलते हैं। सुबह जल्दी सिर्फ 3 लोग उठते हैं, माँ, मेहनत और मजबूरियाँ। अपने जीवन को इतना रोशन करो कि कोई आपका परिचय देते हुए गर्व महसूस करे। जो सच में कुछ पाना चाहता है, उसे पाने के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहेगा। हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी जीत उसी की होगी। जिसका संघर्ष है जारी, हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि ये सोचना है कि डर से भी ज़्यादा जरूरी कुछ और है। खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि किसी और की बुराई का वक्त ही ना मिले। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हर वो आवाज़ दबानी है जिसने कहा था तुमसे नहीं होगा। मेहनत कर, संयम रख, भरोसा रख, जो तेरा है तुझे मिलकर रहेगा। अगर आपकी आय का साधन केवल उसकी सैलरी है, तो आप गरीबी से केवल एक कदम आगे हैं। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मोती कभी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। अगर आप सकारात्मक बोलोगे, तो आपको सब सकारात्मक ही दिखेगा। अपने दिमाग को हर स्थिति में अच्छा देखने के लिए ही प्रशिक्षित करें। अगर आप बुरी स्थिति में भी अपने आप को सकारात्मक रखते हैं, तो ये आपकी जीत है। अगर आपने ये मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं, तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। जीवन में हमेशा मुस्कुराने की वजह नहीं मिलती, लेकिन आपकी मुस्कान दूसरों के मुस्कुराने की वजह जरूर होती है। बेशक हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। आपकी ज़िंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना गुजर रही हो, आपको हर रोज़ सुबह धन्यवाद करना चाहिए कि आपके पास ज़िंदगी है। दूसरों की छोटी छोटी मदद करते रहिए,
कई बार ये छोटी छोटी मदद दूसरों के दिल में बड़ी जगह बना लेती है। जब हम बैठते हैं तो हम डर पैदा करते हैं, जब हम कार्य करते हैं तो हम इसे दूर कर लेते हैं। लक्ष्य भले ही तुम्हारा छोटा है, लेकिन संकल्प हमेशा भरा रखिए। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है, वह दूसरों का भी विश्वास हासिल करता है। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। सोच की वजह से कोई मालिक होता है और कोई नौकर। टालने वाले नहीं, कुछ करने वाले दुनिया में आगे बढ़ते हैं। जो वक्त के साथ अपने आप को बदलता है, वही अपने हिसाब से दुनिया को बदल सकता है। हारता तो हर कोई है ज़िंदगी में, लेकिन जीतता वही है जो उससे सीखता है। जीतने और हारने वालों में फ़र्क बस इतना सा है, हारने वालों ने हार मान ली और जीतने वालों ने हार नहीं मानी। जो आज में काम करता है, वही आगे राज करता है। तब तक काम करो जब तक तुम्हें अपने आप पर गर्व ना हो। जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है, फिर डर को भी उनसे डर लगता है। इस दुनिया में तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें पाने की जिद होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाओ, किसी के इंतजार में मत बैठो। वक्त और हालात को तुम्हारे आगे झुकना पड़े, कुछ ऐसा कर गुजरो। कुछ हासिल करने वाले किसी का इंतजार नहीं करते, वो बस अपने राह पर निकल जाते हैं। भीड़ का हिस्सा तो सब बनते हैं, भीड़ की वजह बनो। तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकी हुई है। जो व्यक्ति अपने आप से ईमानदार होता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सफल वही होता है जो अपने समय की कदर करता है। जिन्हें सफल होना होता है, वो किसी और चीज़ में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। वक्त के साथ जो चलते हैं, उनके पीछे पूरी दुनिया चलती है। बेहतर से बेहतरीन होने के लिए अपने कमी पर काम करना बहुत ज़रूरी है। जिनके इरादे मजबूत होते हैं, वो बस अपने लिए काम करते हैं।